नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण हज एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेला एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिससे मदरसों में अब ई लर्निंग ऐप के माध्यम से पढ़ाई होगी। साथ ही इसी क्रम में प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा है, आप हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजादी। सर, आज यहाँ जो मेधावी बच्चे हैं इनको टैबलेट दी गई है, जो डिजिटल क्रांति उसमें एक मुहिम मदरसों में भी शुरू हुई है, क्या कहेंगे? मदरसा शिक्षा भी अब आधुनिक शिक्षा का हिस्सा बन रहा है, मदरसे का छात्र भी अब समाज के मुख्य धारा में आ रहा है, और ये केवल इसलिए संभव हो पाया है कि आज उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कि ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे आम छात्रों के लिए बिना भेदभाव के काम कर रही है। और हम लगातार इसी तरीके से ईमानदारी से मदरसा शिक्षा के लिए, मुसलमान युवाओं के लिए, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करते रहेंगे। सर, आज सरकार के 100 दिन पूरे हुए, क्या कहेंगे? सरकार के 100 दिन में हमने लगातार ये काम किया है कि सरकार की जो हमारी सरकार के प्रति विश्वास है लोगों का, उस विश्वास पे हम खड़े उतरें, उस विश्वास को और मजबूत करें। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने हर वो वादा पूरा किया है तय समय में, जिसका हमने वादा किया था, और इसी ईमानदारी से हम काम करते रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद। इनका साफ तौर पर कहना था कि मदरसों के कायाकल्प के लिए सरकार लगी हुई है, उसी क्रम में एक जो मेला ऐप है उसकी मुहिम शुरू की गई है। साथ ही साथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने सरकार की तारीफ की। जहां एक तरफ सभी छात्रों को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां पीजी और ग्रेजुएट के छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, उसी क्रम में अब पहली बार मदरसों के छात्रों को भी डिजिटलाइजेशन के दौर में उन्हें टैबलेट और मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से छात्र आए हैं जिनको टैबलेट और मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। वहीं हाल ही में रिजल्ट में जिन छात्रों ने अच्छे नंबर लाए हैं, यानी कि मेधावी छात्र, तो को ये टैबलेट दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो टैबलेट पाए हैं। सबसे पहले भाई अपना नाम बता दें। मेरा नाम मिन्हाज अली है, मैं महाराजगंज जिले से रहने वाला हूं। और मेरा मिन्हाज, हम ये बताएं आपको आज टैबलेट मिला है, अगर बात की जाए तो पढ़ाई में इसका क्या उपयोग होगा और इस टैबलेट को पाकर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सरकार ने जो ऐप लॉन्च की है, पहली बात तो उसके लिए फायदेमंद होगा, साबित होगा, क्योंकि अगर टैबलेट नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से इस ऐप के बारे में कहाँ से पढ़ पाएंगे, इस ऐप के बारे में कहाँ से हासिल कर पाएंगे जानकारी। तो ये जब टैबलेट मिला है सरकार ने, जो हम लोग टैबलेट दी है, इसमें इस ऐप लर्निंग ऐप को पढ़ने में हम लोग फायदा कारगर साबित होगा, ठीक है सर, और इससे हम लोगों को भविष्य में अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन। आपको भी यहाँ टैबलेट मिला है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट मिला है, 51,000 रुपए आप लोगों को मिला है, आप लोग मेधावी छात्रों में आते हैं, क्या कहेंगे इस पे? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे ये मकाम हासिल करके। ये इस मकाम तक मैं अपने टीचरों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और खास करके मेरे प्रिंसिपल साहब मेरे साथ में आए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उनकी मेहनतों और काविशों की वजह से मैंने ये मकाम हासिल किया है। अच्छा, जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है मेला नाम से, इससे आप लोगों का क्या फायदा मिलेगा और इसका क्या उपयोग होगा? सर जो नई तकनीकी आधुनिक है मेला ऐप, सर इसमें हमारे भविष्य के लिए, हमारे पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा ऐप लॉन्च किया गया है, इससे हम और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आगे की जो पढ़ाई है उससे इस टैबलेट में क्या फायदे आएंगे? सर आगे की जो पढ़ाई है इस टैबलेट की वजह से, जो भी क्लासेज अटेंडेड करेंगे हम लोग, उसमें हम लोगों को और आगे बढ़ने की जो भी कुछ भी हो और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे सर। जब कोविड काल आया था तो उस समय सभी पढ़ाई जो थी टैबलेट और मोबाइल फोन लैपटॉप से होते थे, उस समय क्या आप लोगों ने झेला और अब टैब पाकर वो सब चीजें नहीं होंगी? सर देखिए, जब उस वक्त जब ये कोरोना महामारी चल रहा था और जो पढ़ाई जो है ऑनलाइन चल रही थी, उस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि आपको पता ही है कि मदरसे की हालत बहुत खराब होती है, मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत गरीब होते हैं, तो हम लोग पास इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं थी कि हम लोग कोई मोबाइल या फिर लैपटॉप खरीद सके और पढ़ सके, ठीक है। हम लोग पड़ोसी के पास जाकर के मोबाइल मांग करके पढ़ते थे, 2 मिनट 4 मिनट जो भी मौका मिलता था पढ़ते थे, लेकिन जो सरकार ने ये हम लोग को टैबलेट दे करके हम लोग का जो मानो सम्मान बढ़ाया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। इसी क्रम में हमारे साथ इनके शिक्षक हैं जो इन्हें तैयार किए हैं, इनके बदौलत आज छात्र मेधावी हैं, अच्छे नंबर पाए हैं, क्या कहेंगे आप? आपके जो छात्र हैं वो अव्वल दर्जे का नंबर पाए हैं। जी साहब, अव्वल दर्जे की मेहनत ही पर अव्वल दर्जा आदमी पाता है,
तो हमारे यहाँ बच्चों ने हम सब लोग मिल करके मेहनत किया जो इस मकाम तक आज पहुँचे। अच्छा, सरकार की तरफ से टैबलेट दिया गया है और आप लोगों के जमाने में अगर बात की जाए तो आप लोग किताब से पढ़ते थे, जो नए जमाने की डिजिटल तकनीक है जिसमें रिसर्च और तमाम चीजें की जाती हैं, तो टैबलेट मिला है, इस पे आपके क्या कहना है? जी हाँ, हमारे सरकार की जो है बहुत सराहनीय काम है, लायक तारीफ है, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कहा करते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, इस पे आपका क्या सोचना है? सोच हमारी बढ़िया है, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात कही है कि आप अपने कुरान से हम ईमान दुरुस्त करें और अपने हाथ में कंप्यूटर लेकर के अपनी दुनिया दुरुस्त करें। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे शिक्षक जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, वो कहीं ना कहीं सही है। इसी क्रम में हमारे साथ एक छात्रा है, इनसे बात करेंगे। मैम, आपको टैबलेट मिला है, क्या कहती है इस पे, क्या आपकी पढ़ाई में इससे लाभ मिलेगा? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि मैं पहले से ही फ़ोन से ही ज़्यादातर पढ़ाई करती हूँ और ये नया ऐप जो लॉन्च हुआ है मेला ऐप, इसमें सारी लैंग्वेज में कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। अब टैबलेट से पढ़ाई करेंगे, अब तक फ़ोन से करते थे। अगर रिसर्च की बात की जाए तो कोविड काल में देखा गया कि मोबाइल और लैपटॉप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इससे रिसर्च बहुत फ़ायदे होते थे, तो क्या आपकी पढ़ाई में जो आगे की पढ़ाई है उसमें किस तरह का उपयोग है? उसी ऐप से सीखेंगे। और अगर बात की जाए ऐप की, तो ऐप में क्या क्या चीजें हैं और उससे क्या आपको फायदे मिलेंगे? अब आज ही लॉन्चिंग हुई है इस ऐप की, अब घर जाके देखते हैं क्या है उसमें, किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है, कोशिश पूरी करेंगे आगे बढ़ने की, फायदा उठाने की इससे। तो ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप हो, दूसरे हाथ में कुरान हो, इस पे आप क्या सोचते हैं? कुरान मतलब हम जुड़े रहें इस चीज़ से, हमारा दीन क्या है, हमारा ईमान सलामत रहे, और लैपटॉप मतलब हमें दुनिया और दीन साथ लेके चलना है और आगे बढ़ना है इसमें, तो यही मोटिव है प्रधानमंत्री जी का भी, और उसका यही मतलब है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, दोनों चीज़ें हम साथ लेके चलें, दीन भी सीखें दुनिया भी सीखें। तो बहुत शुक्रिया इस चीज़ का, प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ मेधावी छात्र लैपटॉप पाए हैं उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी है, और साफ तौर पे उनका कहना है इससे हमारी आगे की पढ़ाई में रिसर्च और तमाम फायदे होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभाग सुप्राइम टीवी लखनऊ। आज हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो हमारा मदरसा शिक्षा सिस्टम है उसमें हमने इस ऐप को, मदरसा ई लर्निंग ऐप, इस माध्यम से हम मदरसे के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो हमने वादा किया था, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक हाथ में कुरान शरीफ हो मदरसे के बच्चे के और एक हाथ में लैपटॉप हो, टेक्नोलॉजी हो, उस सपने को हमने आपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया है, और आज इस हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया है कि ये हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है, तो सही मायनों में मुसलमानों के विकास के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से हमने मदरसा शिक्षा के विकास के लिए लगातार काम किया है, जो ठोस काम किया है, उससे हमारे अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को, हमारे मदरसा के छात्रों को सीधा लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से हमने एनसीईआरटी कोर्स को लागू करके आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा का हिस्सा बनाया, और अब हम इस मेला ऐप, मदरसा ई लर्निंग ऐप के माध्यम से हम मदरसे के पाठ्यक्रम को ऐप के माध्यम से अब हर हमारे स्टूडेंट्स के मोबाइल तक हमने उसकी पहुँच बनाई है, ताकि जो उसकी शिक्षा है उसमें उसको और ग्रोथ मिले और सपोर्ट मिले। इस ऐप में उसके पाठ्यक्रम हैं, लाइव क्लासेस हैं, हम आने वाले दिनों में इस ऐप के माध्यम से उनको मोटिवेशनल क्लासेस भी देंगे, उनको हम आगे के रास्ते भी बताएंगे, उनके काउंसलिंग भी करेंगे, जिससे कि उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ताकि वो हमारे कौम का नाम, हमारे समाज का नाम, देश का नाम रोशन करे। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हमको सबके विकास के लिए ईमानदारी से काम करना है, उस नारे को हम सब मिलजुल के आगे ले जाएंगे। खबर संभल से है, जहां बीजेपी के एक नेता ने थाना प्रभारी को धमकाते हुए कहा, मैंने चुनाव लड़ा है, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन गाड़ी छोड़नी पड़ी। दरअसल ऑयल चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका गया, पुलिस ने चालक की गाड़ी से लगभग 8 केन बरामद किए हैं। थाना प्रभारी की ओर से पूछे जाने पर युवक ने कुछ नहीं बताया और नेता धमकी देने लगा। बता दें कि मामले को बढ़ता देख सत्ता पक्ष के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर हंगामा शुरू किया। हमारे चाचा श्री आनंदीलाल सिंगल जी मेंथा का तेल निकलवाने के बाद सीधे मेंथा टंकी से
अपने घर आ रहे थे कार के द्वारा, जिसमें 3 कैने रखी हुई थी और वह अपने कैनों को उस कार से उतार रहे थे। उसी समय अचानक इंस्पेक्टर केला देवी रविंद्र राठी जी मय पुलिस बल के वहां पहुंच गए और उन्होंने उसको छापा मारा। खबर राय बरेली से है, जहां पर अश्लील फोटो वायरल करने और ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाने का जीजा पर आरोप लगाया गया है। एक 16 साल की नाबालिग युवती ने लिखित पत्र देकर एसपी से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एसपी से कहा कि मेरे जीजा फोन पर अश्लील बातें करते थे, किसी तरह मेरे जीजा ने चुपके से मेरी अश्लील फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दी। बता दें ये मामला जगतपुर भिजकौरा थाना लालगंज क्षेत्र का है। खबर बिजनौर से है, जहां सेना में अग्निपथ योजना सरकार से वापस लेने के मकसद से रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत की। बता दें जयंत चौधरी का नौजवान युवकों ने जोश के साथ स्वागत करते हुए पुशअप लगाए। साथ ही मंच और मीडिया से मुखातिब होते हुए जयंत ने कहा कि सरकार हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कहकर लोगों को गुमराही की तरफ धकेल रही है। जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं होती। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उन्हें अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो वाकई सुधार नहीं है। ये दमनकारी योजना आपकी नीति है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लोगों को आसान सी बात समझ नहीं आ रही कि पहले जो 15 साल 17 साल नौकरी कर लेता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएँ मिलती थी, आप उस पर कैंची चला रहे हो, सुविधाएँ काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम आपके लिए किया। तो जितने पूर्व सैनिक हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मालूम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने अपने दौरे के पहले दिन जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के सरवन और उघमपुर गांव में जन चौपाल के माध्यम से जनता की शिकायतों का निस्तारण किया। उन्होंने 1 जुलाई को नकराही गांव में सड़क हादसे में मारे गए 6 लोगों के परिवार को सांत्वना देते हुए जिला प्रशासन को आर्थिक मदद दिए जाने के लिए निर्देशित किया। मेनका गांधी ने कहा कि हमें ऐसे ग्राम पंचायतों की समस्या को लक्ष्य बनाकर काम करना है, जिन ग्राम पंचायतों में अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने नागरिकों की समस्याओं को नहीं सुना है। एक तो 6 वरिष्ठ लोगों को दिया गया है जिम्मेदारी कि वो घूम करके, मैं उन सबसे मिली हूँ कि वो जा कर के देखें क्या हो सकता है। और दूसरा, आप देख रहे हैं हम सुबह से वहीं जा रहे हैं जहाँ जहाँ से हम हारे हैं और जहाँ जहाँ से पार्टी को तगड़ा कर सकते हैं, मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। लगता है कि इनको मतलब अच्छा किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। अगर हर घर में एक नौकरी मिल जाए तो कितना मज़ा आए, सब लोगों की मुसीबतें चले जाएँ, ये बहुत अच्छी बात है। बांदा में अस्थियां विसर्जित करने के बाद प्रयागराज से लौटते समय नाले पर बोलेरो पलट गई। गाड़ी के पलटने से मौके पर एक की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नींद आ गई इनको, तो जो गाड़ी नाले में गिर गई। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? ये लोग गाड़ी में 6-7 लोग थे। एक गाड़ी में 7 लोग थे। इसमें एक्सपायर कितने हुए हैं? थाने के पास एक बोलेरो पलट गई, इसमें 6 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई। जिसकी मौत हुई उसको जो है गाड़ी को पोस्टमार्टम वाले भेज दिया गया। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर युवक अपने पिता के साथ ससुराल पहुंचा। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी के चाचा ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद युवक अपने पिता के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा। उसने शिकायत पत्र में बताया कि 5 दिन पहले वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने पिता के साथ उसके घर आया था। आरोप है कि किसी बात को लेकर लड़की के चाचा ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उसने मांग की है कि युवती के चाचा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहब, कप्तान साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, हम अपनी बहू को बुलाने गए थे, मेरी लड़की और मैं, और मतलब क्या नाम है, मेरा लड़का,
मेरे यहाँ लड़की के हाथ में से दो अंगूठी उतार ली, मेरी जेब में से 5,000 रुपये निकाल लिए, दो तमंचे लगा के और बुक साइड उतार के दिखाने लगा, तो कहने लगा नाराना गांडू जान से मार दूंगा। गाजीपुर में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव का आगमन हुआ। सबसे पहले उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद वो जनता दर्शन के कार्यक्रम में शामिल हुए और फरियादियों की फरियाद को सुना। इसके अलावा संबंधित विभाग और अधिकारियों को निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामले जमीनी विवाद से संबंधित है, जमीन के हैं, कोई फरमाइश की है, कोई जो है अवैध कब्जे की है, उस सब में आदेश दिए गए हैं कि जो है उसकी जांच करा के नियमानुसार यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और जिलाधिकारी महोदय ने संपर्क जो है सुनिश्चित किया है कि अतिशीघ्र कार्रवाई करके इन सब पर निस्तारण करा दिया जाएगा। हरदोई में दहेज हत्या के मामले में 2020 से बंद कैदी की मौत का मामला सामने आया है। मृतक कैदी के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज और एसपी ऑफिस के बाहर हंगामा किया। मृतक के परिवार वालों ने जेलर और स्टाफ पर हत्या करने का आरोप लगाया है। 1.5 साल से ज्यादा समय से बंद सलमान की मौत के मामले में जेल प्रशासन पर काफी आरोप लग रहे हैं। जेल अधीक्षक ने कैदी की मौत पर जुडिशियल जांच की बात कही है। मजिस्ट्रेट की देखरेख में पोस्टमार्टम कराया गया। जिला जज, अपर जिलाधिकारी और जिला विधिक प्राधिकरण सचिव ने जिला कारागार का भ्रमण किया और मौके पर पहुंचकर कैदी की हत्या के बारे में जानकारी ली। वहीं आईजी जेल ने कैदी की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कारागार का भ्रमण किया। मेरी लड़के की इसकी जो लड़के का सिर काटा गया, इसकी शादी हुई थी मानी माऊ में। 1 महीने बाद मेरी बहू हमें गलत फंस गई, हमने नहीं समझ पाया तो बहू हमारी लटक रही, तो उन लोगों ने हमें मतलब निर्दोष में फांस दिया। हम तीनों लोग जेल चले आए, लड़का मारा, मारा आदमी, हम जेल काट के हम दो जने निकल गए, लड़का मेरा रह गया। तो लड़के की अब जमानत लगी थी, हमने कहा लड़का अपना छुटा लें। कल हमने लड़के के अपनी मिलाई करने के लिए अपना दूसरा लड़का भेजा, लड़का हमारा मिलाई करने आया तो लड़के ने हमारे जेई कहा कि पापा से कहना कि जल्दी से जल्दी हमको छुटा ले, हमको जेल वाले परेशान कर रहे हैं, मेरी जान का खतरा है। खबर औरैया से है, जहां कुचेला गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में अनुज कुमार यादव ने बताया कि वो गांव के बाहर स्थित सहदेव यादव की चक्की से आटा लेकर घर आ रहा था, जिसके बाद जमीन को लेकर मनमुटाव चलने लगा और अनुज को डंड से पीटना शुरू कर दिया गया। वहीं थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। औरैया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं और युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त संदीप यादव, जो एरवा कटरा थाने का टॉप 10 अपराधी है, उससे 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद भी संदीप के क्षेत्र में रहने की सूचना मिल रही थी। उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने संदीप को 312 बोर के तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।